कि लिबास अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, एक बहुत बड़ी नियामत है, जन्नत की नियामतों में से एक नियामत है। समझिएगा इस लफ्ज को। लिबास, हम जो कपड़े पहनते हैं, ये जो कपड़े, ये लिबास जन्नत की नियामतों में से एक नियामत है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई जन्नत में, सबसे पहले जो नियामत इनसे छीन ली गई वो कपड़े उतार लिए गए। तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। कुरान ये कहता है कि जो जन्नत के पत्ते थे, बड़े बड़े पत्ते, दोनों पत्ते चुन चुन कर अपने आप को आगे और पीछे से छुपा रहे थे। तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, ये अल्लाह तबारक व ताला की नियामत है। अल्लाह ने लिबास बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अल्लाह ने वो चीजें नाजिल फरमाई। कुरान की आयत में पहली चीज है, हमने लिबास को उतारा है। और लिबास का पहला मकसद कुरान मजीद ने जो बयान फरमाया है, युवारी सौआतिकुम, जहन में एक एक बात बिठाओ, युवारी सौआतिकुम। कपड़ों का मकसद, लिबास का मकसद मर्द और औरतों दोनों के लिए अपनी शर्मगाहों को छुपाना। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान की आयत है। ये आदमी अगर लिबास पहने और पहनकर भी उसकी शर्मगाह आगे की और पीछे की, इसलिए कि कुरान में दो शर्मगाहों का जिक्र है, युवारी सौआतिकुम, तुम्हारी दोनों शर्मगाहों को ये लिबास छुपाए। आदमी अगर लिबास पहने और शर्मगाह नजर आए तो फिर वो नंगे के बराबर है, नहीं पहनने के बराबर है। नौजवान अगर लिबास पहने, मर्द हो या औरत, दोनों से मैं कह रहा हूं, जी हां, लिबास पहनकर भी अगर वो ऐसा नजर आ रहा है कि लिबास नहीं पहना है, फिर वो नंगे के बराबर है, इसलिए कि आगे और पीछे की शर्मगाह है। मैं किसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं, आप जहन में लेकर आए। लिबास को आप छोटी चीज ना समझें। एक सहाबी का लिबास अल्लाह के रसूल ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तखने के नीचे था। आप आगे बढ़कर गए, खुद अल्लाह के रसूल गए, अपने हाथों से आपने उसे ऊपर उठाया, कहा ऊपर पहनो। ये टखने के नीचे पहनने वाली चीज नहीं है, टखने के ऊपर पहनने वाली चीज है। आप लोग, जी हां, अक्सर लोग जो है फतवे उनसे पूछते हैं जो फतवा देने के लायक नहीं होते, उन लोगों से फतवा पूछते हैं जो देने के लायक नहीं होते। आज के इस मसले में ऐसे ऐसे लोग आकर टीवी पर, यूट्यूब पर लिबास के बारे में, हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हिजाब का है भी नहीं मालूम, लिबास का लाम भी नहीं मालूम है, ऐसे लोग आकर के हिजाब का हुक्म बताने लगे हैं, लिबास का हुक्म बताने लगे हैं, इसलिए कि वो खुद लिबास नहीं पहनते, हिजाब नहीं पहनते, बेपर्दा जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए वो कुरान को बदलकर, कुरान को अपने हिसाब से दुनिया को समझाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। कुरान को बदलो नहीं, अपने आप को बदलो। कुरान नहीं बदलेगा इंशाल्लाह, अपने आप को बदलो अल्लाह के लिए। पहला मकसद यह है लिबास का, याद रखो नौजवानों, खासतौर से ऐसा लिबास पहनो, इतना ढीला ढाला हो कि तुम्हारी शर्मगाह नजर नहीं आए, क्लियर से शर्मगाह नजर नहीं आए, ढीला ढाला पहनो। फैशन का नाम रखकर जो लोग फैशन बाजार, फैशन, ये लिबास कपड़ों के दुकान का नाम नहीं हो सकता, इसलिए कि कपड़े हमारे दीन में इबादत हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लिबासु मिन दीनिना, उलमा कहते हैं लिबास हमारे दीन का हिस्सा है।